डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मंजू। आज के वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी 2024। सब्जेक्ट देख लेंगे, इसके 5 सब्जेक्ट, उसके मार्क्स देख लेंगे। और आपको पता है कि IBPS इसको कंडक्ट करने वाले हैं, तो उनका किस तरह से पेपर आता है, ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट वाइज तो हम अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन कितने सब्जेक्ट है और मार्क्स कैसे हैं वो आज देख लेते आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो देखेंगे हम वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी कि उर्दू मीडियम के लिए मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, नफ्सियात। ये होता है 30 मार्क का, 30 मार्क का ये पेपर आता है। इसके टॉपिक फिक्स है, पूरा सिलेबस फिक्स होता है, बस आपको वो करना है। इसमें कितने कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए टॉपिक वाइज आपको वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगी। नेक्स्ट रहेगा मैथ्स। मैथ्स उर्दू मीडियम रियाजी, और ये भी 30 मार्क का होता है। अब इसमें जो फिक्स टॉपिक है, अब तक अगर आपने कभी दिए होंगे एग्ज़ाम तो देखे होंगे कि जो फिक्स टॉपिक है उस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उनका जो वेटेज है वो भी तकरीबन फिक्स ही होता है। IBPS के हिसाब से अगर देखा जाए, वो कंडक्ट करेंगे तो भी शॉर्टकट ट्रिक्स वाले आ जाएंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर हम उनके प्रीवियस पेपर देख ले, जैसे कि टेट एग्ज़ाम TAIT है, वक्फ बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ, अभी कलर्क के जो एग्ज़ाम होने वाले, तो जो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिक वाइज वही होंगे जो पहले भी महा टीटी में पूछे जाते थे। सोशल स्टडी यानी के माहौलियात ये भी 30 मार्क का होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती, इसमें सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स इसमें होता है। अब इनका भी रेशो अब तक के पेपर अगर आपने देखे होंगे तो ये भी फिक्स था। तो इसमें ये 3 रहेंगे, यानी के तारीख, ज्योग्राफिया और शहरियत, और ये भी पूरे 3 मिलाकर आता है 30 मार्क के लिए। और प्लस इसमें एडिशनल एक हो जाता है यहाँ पे साइंस। तो साइंस के भी महा टीटी के क्वेश्चंस देखिए कि वो टॉपिक पे फिक्स है, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते थे। और उर्दू ये रहेगा 30 मार्क के लिए, उर्दू मीडियम के लिए अगर देखो तो उर्दू 30 मार्क के लिए है। लैंग्वेज CTET के जैसी नहीं रहती आपको कि एक पैसेज आएगा 15 मार्क का और 15 मार्क की पैडागॉजी, तरीक़े तदीस, ऐसा नहीं है। टोटल ग्रामर रहेगा, सिर्फ एक पैसेज आएगा जो 5 मार्क के लिए आता था, वो एक पैसेज है। और नेक्स्ट जो आप सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं वो है इंग्लिश, तो वो भी 30 मार्क का। वही है कि टोटल ग्रामर रहेगा जिसमें, और पैसेज आपको 4-5 मार्क के लिए पैसेज पूछता है, बाकी टोटल ग्रामर। और IBPS के आप पेपर्स अगर देखो अदर एग्ज़ाम के, या अभी जो TAIT हुआ था वो भी टीचर रिलेटेड ही एग्ज़ाम जो IBPS ने लिए थे, तो ग्रामर आपको इंग्लिश ग्रामर पूरा करना है। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से उर्दू वालों को उर्दू ग्रामर है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो फिर यहाँ आपके फर्स्ट लैंग्वेज आप ले लेंगे इंग्लिश, और जो सेकंड लैंग्वेज हो जाएंगी वो मराठी, या फिर अदर आप जो ले रहे हैं वो आपकी लैंग्वेज यहाँ पर हो जाएंगी। और वो भी टोटल आपको रहेगा ग्रामर ही, आपको ग्रामर ही लेना है, कवायद उसमें आपको कम्प्लीट पूरा करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या देखा है पेपर फर्स्ट के लिए के कौन से 5 सब्जेक्ट है, उर्दू और मीडियम, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही को मैंने एक साथ यहाँ पे बता दी। अब जो सब्जेक्ट वाइज है इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे, और इसकी तैयारी आपको शुरू कर देना होंगी, क्योंकि फेब में एग्ज़ाम लेंगे IBPS पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, तो आपको इसकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देना है। तो CTET की बैच के साथ, अभी तो CTET की बैच चल रही है, आप लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे तो आप उसकी भी स्टडी में होंगे, लेकिन जो महा टीटी का वेट कर रहे थे, तो महा टीटी 2024 जो पैटर्न होगा IBPS, उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी ही, जो उर्दू और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए रहेंगी, जहाँ पर लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़, ऑल सब्जेक्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी ही चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा IBPS पैटर्न, और प्लस पहले जो महा टीटी के पेपर हुए थे वो
वो पूरा टोटल एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, 20 दिसंबर के आसपास बैच स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम के बाद महाटीटी आ रहा है और जो बच्चे वेट कर रहे थे और उर्दू मीडियम के हैं या जो भी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे थे महाटीटी का, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।